जो आप देख रहे हैं जलसा देश टाइम्स। भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आतंकी और तस्करों के लिए कनाडा शुरुआत से जन्नत बना हुआ है। यहाँ की जांच एजेंसियों से बचने के लिए ये सभी कनाडा में शरण लेते हैं। कनाडा खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप निजर की हत्या के लिए भारत को दोषी ठहरा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि 1980 के दशक से ही भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने के लिए गैंगस्टर तस्कर और आतंकवादी कनाडा की ओर रुक कर रहे हैं। कम से कम 6 भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर कट्टरपंथी और 13 ड्रग तस्कर पिछले कई वर्षों से कनाडा में रह रहे हैं। द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि एक आतंकवादी घटना से जुड़े मामले में वंचित जालंधर के प्रागपुर का टहल सिंह टूट, बता दें कि 1988 से 89 में कनाडा भाग गया था। बताया जा रहा है कि जनवरी 1995 में उसे अपराधी घोषित कर दिया गया था, लेकिन वो अब कनाडा के ओंटारियो में आराम फरमा रहा है। खालिस्तानी की देशमेश रेजिमेंट से संबंधित बटाला के बैरू नंगल का एक अन्य वंचित आतंकवादी गुरवंत सिंह उर्फ गुरप्रताप उर्फ बात 1990 में कनाडा चला गया था। उसे भी 1995 में पीओ घोषित किया गया था। कनाडा में उसका कोई पता नहीं है और कई हत्याओं और विस्फोटों में वंचित और लखबीर सिंह रोडे समूह के इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन से जुड़े 4 आतंकवादी भी फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा भाग गए थे। इनमें अमृतसर के तलवंडी नाहर का मलकियत सिंह भी शामिल है। मोगा का गुरपुरी सिंह और ओंटारियो में तरन तारण नौशहरा पनुआ का गुरजिंदर सिंह ओंटारियो, बता दें कि ओंटारियो में नौशहरा पनुआ का गुरजिंदर सिंह और कैदियों का गुरजीत सिंह भी अब ब्रैमपटन में आराम कर रहे हैं। बता दें कि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनके अलावा कई अन्य लोग भी थे जो पर्दे के पीछे रहे और कनाडा से ये काम कर रहे हैं। ये लोग भारत में माहौल खराब करने के लिए रसद बैठकों और फंडिंग में मदद करते हैं। पिछले साल पंजाब पुलिस ने 7 मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों की सूची जारी की थी जो फर्जी दस्तावेजों पर भारत में कनाडा भाग गए थे। वे उस देश से आपराधिक और भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। 7 गैंगस्टरों में सुखा दुनके भी शामिल था, जिसकी हाल ही में हत्या कर दी गई। गोल्डी बराड, अर्शदीप जाला, चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू रंधावा, गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा डल्ला, रमनदीप सिंह उर्फ रामा जजौर, लखबीर सिंह उर्फ लांडा सहित अन्य गैंगस्टर कनाडा से काम कर रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान स्थित हरविंदर सिंह द्वारा कट्टरपंथी आतंकी बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि कनाडा सरकार ने गोल्डी बराड को देश में शांति के लिए खतरा माना है। वहां की पुलिस ने उसे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर घोषित कर दिया था। तो आपको बता दें कि कनाडा वो जगह बन चुकी है जहां पर भारत के जो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर लोग हैं वो शरण ले रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत का माहौल खराब करने की भी कोशिश कर रहे हैं। फंडिंग हो रही है, इस तरह की चीजें लगातार हो रही है और इस पर कनाडा सरकार का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि कनाडा और भारत के बीच में जो चीजें चल रही हैं वो इस वक्त गहमा गहमी का विषय बनी हुई है और जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। फिलहाल इस पर और किस तरह की अपडेट सामने निकल कर आते हैं, जो भी होंगी चीजें वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इस खबर में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसा देश टाइम्स। खबर को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।